हो गया ना। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में रिक्शिया के थैलस की बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना तथा कायिक विभाजन के मामले में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट उसमें आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन में आप लोगों को बताऊंगा, उसमें आप ठीक ढंग से इसको ऑब्जर्व करें। रिक्शिया में लैंगिक जनन सुविकसित नर एवं मादा जननांगों द्वारा होता है। नर व मादा जननांग क्रमशः नर जननांगों को पूधानी तथा मादा जननांगों को स्त्रीधानी के नाम से जानते हैं। रिक्शिया अराउलेंसिस, रिक्शिया क्रिस्टेलाइना, रिक्शिया क्रूसिएटा, रिक्शिया गंगाटिका आदि जातियों के थैलस मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस जो थैलस है, इसके अंतर्गत एक ही थैलस में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का निर्माण होता है। इसी प्रकार से कुछ जातियां जैसे रिक्शिया डिस्कोलर है, रिक्शिया फ्रोस्टाइए, रिक्शिया सोनाइए आदि जो जातियां होती है, इनके थैलस डायोसिस होते हैं या विषम जालिक होते हैं। ये जो डायोसिस थैलस होते हैं, एक थैलस पर नर जननांगों का निर्माण होता है, दूसरे थैलस पर मादा जननांगों का निर्माण होता है। जननांगों का विकास थैलस के परिपक्व होने के साथ साथ होता है। ये थैलस की अपाक्ष सतह पर बनते हैं तथा थैलस के पश्च भाग की ओर तथा शीर्ष की ओर दोनों तरफ दोनों भागों में ही जननांगों का निर्माण पाया जाता है। जननांग थैलस की अपाक्ष सतह पर उपस्थित मध्य खांच में अंतस्थापित होते हैं तथा पौधानियों का विकास थैलस में अपाक्ष सतह पर पाया जाता है। मैं आप लोगों को पौधानियों के विकास के बारे में जिक्र करूंगा और पौधानियों का विकास किस प्रकार से होता है, ये इस चीज को हम यहाँ देखेंगे। पौधानी का विकास थैलस की अपाक्ष सतह पर उपस्थित एक पृष्ठीय सेल से होता है। ये शीर्ष सेल से एक दो कोशिका पीछे स्थित रहते हैं। इसे एंथ्रीडियल इनिशियल सेल या पौधानी प्रारंभिक कोशिका के नाम से जानते हैं। इसका आमाप अन्य कोशिकाओं से बड़ा होता है, क्योंकि जो सेल होती है इस सेल में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। इसके अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती है, ऊपरी सेल बाह्य व निचली सेल आधारित सेल कहलाती है तथा इनमें से जो बाहरी सेल है आउटर सेल, इस आउटर सेल में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और ये अनुप्रस्थ विभाजन होने से तीन और चार कोशिका लंबी कोशिकाएं बन जाती है। इसी प्रकार से जो आधारिक सेल होती है, इस आधारिक सेल में केवल एक ही विभाजन होता है और इससे प्राइमरी स्टॉक सेल का निर्माण होता है। इसमें जो सबसे ऊपरी जो सेल होती है, जिसे हम प्राइमरी ऊपरी जो दो सेल्स होती हैं उनको प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल के नाम से जानते हैं और नीचे वाली जो सेल्स होती है उनको प्राइमरी स्टॉक सेल कहते हैं। ये जो ऊपरी प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स है, इसमें उदग्र विभाजन होता है
और उदग्र विभाजन होने के दो उदग्र विभाजन के फलस्वरूप इसमें 8 कोशिकाएं बन जाती है। ये जो 8 कोशिकाएं हैं ये 4-4 कोशिकाओं के दो टीयर में व्यवस्थित होती है, अतः दोनों टीयर की जो प्रत्येक सेल में एक परिणतिक विभाजन होने से बाहर की ओर बंदे प्राथमिक जैकेट सेल तथा भीतर की ओर प्राथमिक पूजनक कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये प्राथमिक जैकेट कोशिकाओं में अपनतिक विभाजन होने से एक स्तरीय जैकेट सेल का निर्माण होता है और होता है प्रारंभिक पूजनक कोशिका पुनरावर्त विभाजनों द्वारा अनेक पुमण मात्र कोशिकाएं बनाती है और प्रत्येक जो पुमण मात्र कोशिकाएं हैं ये एक घनाकार संरचना में परिणित हो जाती है। इस सेल में विकर्ण विभाजन होने से दो त्रिभुजीय पूर्व पुमण कोशिकाएं बनती है। ये दोनों कोशिकाएं सामान्यतः मात्र भित्ति से आवृत रहती है और प्रत्येक पूर्व पुमण कोशिका कायांतरित होकर एक द्विकोशाभिक एक कोशिकीय कुंडलित संरचना युक्त पुमण बनाती है। पुमणों की संरचना के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं तो ये एक परिपक्व पूधानी एक गोलाकार अंडाकार या गदाकार बहु सूक्ष्म व्रंतीय संरचना होती है। प्रत्येक पूधानी तेलस की अपाक सतह पर एक संकर्ण छिद्र द्वारा खुलती है, इसे ओस्टियोल कहते हैं। पूधानी के चारों ओर बंदे सेल्स का एक स्तरीय जैकेट तथा इसके भीतर अनेक फलद घनाकार सेल्स होती है। ये सेल्स पूर्व पुमण मात्र कोशिकाएं कहलाती है। इनका कोशिका द्रव्य सघन होता है। इस सेल में विकर्ण विभाजन होने से दो पूर्व पुमण कोशिकाएं बनती है और पूर्व पुमण कोशिका का जीवद्रव्य कायांतरित होकर एक कोशिकीय द्विकोशाभिक पुमणों का निर्माण करती है। इस प्रकार से ये जो पुमण निर्मित हो जाते हैं और जब पौधानी परिपक्व हो जाती है तो इन पुमणों का विमोचन होता है। अनुकूल परिस्थितियों में जल की पर्याप्त मात्रा होने पर परिपक्व पौधानी विस्फोटित हो जाती है। ऐसी स्थिति में जैकेट सेल द्वारा जल के अंतःचूषण से जैकेट स्तर का जिलेटिनीकरण हो जाता है। इस अवस्था में पौधानी के सभी पुमण गुहिका में देखे जा सकते हैं और पौधानी कोष्ठक से पुमण थैलस की अपाक्ष सतह पर स्थित ओस्टियल द्वारा एक श्लेष्मीय पदार्थ के साथ समूह में बाहर निकलते हैं। विमुक्त पुमणु थैलस की सतह पर एक जल की पतली परत के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से रिक्सिया के अंतर्गत एक पौधानी का निर्माण हो जाता है। पौधानी में पुमणु बन जाते हैं अर्थात ये इन्हें हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर आर्चिगोनिया का विकास पढ़ेंगे। आर्चिगोनिया का विकास जो मादा जननांग हैं ये भी थैलस की अपाक सतह पर स्थित एक पृष्ठीय सेल द्वारा होता है। ये सेल आर्चिगोनियल इनिशियल या स्त्रीदानी प्रारंभिक कोशिका कहलाती है। ये पेपिलामय होती है तथा समापवर्ती कोशिकाओं से बड़ी एवं सघन कोशिका द्रव्य युक्त होती है। इसमें प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन से बाह्य व निचली आधारीय सेल बनती है। आधारीय सेल डिवाइड होकर आर्चिगोनियम का आधारीय अनुप्रस्थ भाग बनाती है तथा बाह्य सेल स्त्रीदानी मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। इस सेल में तीन उदग्र उत्केंद्रीय प्रतिच्छेदी विभाजन अर्थात यदि हम अंग्रेजी में कहेंगे तो वर्टिकल एक्सेंट्रिक इंट्रासेक्टिंग डिवीजन होने से ये एक केंद्रीय प्राथमिक अक्षीय कोशिका तथा तीन परिधीय कोशिकाएं बनाती है। प्रत्येक परिधीय कोशिका एक आर्य अनुदैर्ध्य भित्ति द्वारा विभाजित होती है जिसके फलस्वरूप 6 जैकेट प्रारंभिक कोशिकाएं निर्मित होती है। ये सभी प्राइमरी एक्जियल सेल को घेरे रहती है। सभी 6 जैकेट इनिशियल अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा विभाजित होकर
छः कोशिकाओं के दो अध्यारोपित टायर्स का निर्माण करती है। ऊपरी टायर्स की कोशिकाएं ग्रीवा प्रारंभिक तथा निचली प्लेट की कोशिकाएं अंडदा प्रारंभिक कहलाती है। ग्रीवा प्रारंभिक कोशिका अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा छः से नौ कोशिकाएं बनाती है जो उदग्र क्रम में व्यवस्थित थी, इसलिए ग्रीवा का निर्माण करती है। अंडदा प्रारंभिक कोशिका में पुनरावृत्त विभाजनों से 12 से और 20 कोशिकाएं अंडदा भित्ति कोशिकाएं बनाती है। प्राइमरी एक्जियल सेल में अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा एक बाह्य आवरण कोशिका तथा निचली केंद्रीय कोशिका बनती है। प्राथमिक आवरण कोशिका में दो उदग्र विभाजन एक दूसरे के समकोण पर होने से 4 आवरण कोशिकाएं बनती है। केंद्रीय सेल तथा अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा विभाजित होकर ऊपर की ओर प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिकाएं जिन्हें शॉर्टमेयम PNCC तथा एक निचली अंडदा कोशिका बनती है। PNCC के अनुप्रस्थ विभाजन से 4 से 6 ग्रीवा नाल कोशिकाएं निर्मित होती है तथा अंडदा कोशिका के विभाजन होने पर एक अंडदा नाल कोशिका वेंट्रल कैनाल सेल तथा एक अंड का निर्माण करती है। इस प्रकार से आर्चिगोनियम का विकास हो जाता है। आर्चिगोनियम एक परिपक्व फ्लास्क नुमा संरचना होती है। आर्चिगोनियम कोष्ठक के आधार पर एक सूक्ष्म वृंत द्वारा जुड़ी रहती है तथा आर्चिगोनियम एक आधार फूले हुए अंडदा और लंबी ग्रीवा के में विभेदित होती है। ग्रीवा सेल्स की 6 उदग्र कतारों से निर्मित होती है। प्रत्येक तार में 6 से 9 कोशिकाएं पाई जाती है। ग्रीवा में 4 से 6 नए कैनाल सेल स्थित होती है जो एक पंक्ति में व्यवस्थित रहती है। ग्रीवा के शीर्ष पर बड़े आकार की आवरण कोशिकाएं पाई जाती है। अंडदा के चारों ओर एक बहुस्तरीय जैकेट होती है और अंडदा में एक आधारीय बड़ी अंड कोशिका तथा इसके ऊपर अपेक्षाकृत अंडदा नाल कोशिका होती है। प्रत्येक स्थिधानी थैलस की अपाक सतह पर एक छिद्र द्वारा खुलती है। इस प्रकार से जब हम इसके चित्र का अवलोकन करते हैं तो इसमें डोर्सल सरफेस पर जो सुपरफिशियल सेल होती है उस सुपरफिशियल सेल में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिसे हम आर्चिगोनियल इनिशियल सेल कहते हैं। इस आर्चिगोनियल इनिशियल सेल आकार में बड़ी होती है। ये मेरिस्टेमेटिक होती है। मेरिस्टेमेटिक होने की वजह से इस कोशिका में विभाजन की क्षमता होती है। ये इस कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होने से आउटर सेल और नीचे की ओर बेसल सेल बनती है। ये जो बेसल सेल है ये आर्चिगोनियम का वृंत बनाती है जबकि जो आउटर सेल है इससे आर्चिगोनियम का विकास होता है। ये जो अपर सेल है इस अपर सेल में 3 times वर्टिकल इंटरसेक्टिंग डिविजन्स होते हैं। 3 वर्टिकल एक्सेंट्रिक इंटरसेक्टिंग डिवीजन होने से इसके मध्य में एक प्राइमरी एक्जियल सेल बन जाती है और साइडों में 3 पेरीफेरी सेल्स बन जाती है। इन पेरीफेरी सेल्स में ये पेरीफेरी सेल्स विभाजित होकर ये जो प्राइमरी एक्जियल सेल है इसके चारों तरफ 4 से 6 लगभग 3 कोशिकीय मोटी अर्थात चारों तरफ से एक आवरण बना लेती है। इन कोशिकाओं में ट्रांसवर्स डिवीजन और जबकि प्राइमरी जो कवर सेल है इस प्राइमरी कवर सेल में एक विभाजन होता है असममित अनुप्रस्थ विभाजन। इसके परिणाम स्वरूप ऊपर की ओर प्राइमरी कवर सेल और नीचे की ओर सेंट्रल सेल का निर्माण होता है। ये जो सेंट्रल सेल है इस सेंट्रल सेल में वेंट्रल कैनाल सेल और ऊपर की जो सेल्स होती हैं वो इसमें प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स बनती है। इस प्रकार से पूरी एक आर्चिगोनियम का निर्माण हो जाता है और जब इसमें इसको हम इसका जब इस स्ट्रक्चर का जब हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो उसमें इस प्रकार से संरचनाएँ दिखाई देती है जिसमें दो वर्टिकल रोज और बीच में एक सेल दिखाई देती है जिसे हम
जिससे के द्वारा आर्चिगोनियम का निर्माण होता है, जिसमें अंड का विकास हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं अंड के ऊपर ही वेंट्रल कैनाल सेल होती है, उसके ऊपर नेक कैनाल सेल होती है, और सबसे जो ऊपर की जो सेल होती है वह कहलाती है कवर सेल्स और प्राइमरी आवरण कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है।